इसराइल और ईरान के बीच तनाव अभी भी चरम पर है। इसराइल ने अब तक ईरानी हमले का जवाब नहीं दिया है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि 5 नवंबर से पहले इसराइल किसी भी वक्त ईरान पर बड़ा पलटवार कर सकता है। इस बीच ईरान ने चीन और रूस से अपनी करीबियां बढ़ानी शुरू कर दी है। रूस खुलेआम ईरान का साथ देने के लिए उतर चुका है। अब रूस और ईरान की नौसेना ने हिंद महासागर में 9 सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया है। ईरानी मीडिया ने बताया कि हिंद महासागर में आयोजित IMEX 2024 नौ सैनिक अभ्यास में रूस, ईरान और ओमान की नौसेना हिस्सा ले रही है। यह अभ्यास 19 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। 9 देश भी इस अभ्यास में शामिल होंगे, जिसमें सऊदी अरब, कतर, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और थाईलैंड शामिल है। इससे पहले मार्च महीने में रूस, चीन और ईरान ने संयुक्त नौ सैनिक अभ्यास में हिस्सा लिया था। ईरानी न्यूज के मुताबिक इस अभ्यास का मकसद इलाके में सामूहिक सुरक्षा को बढ़ावा देना है। इसके अलावा बहुपक्षीय सहयोग का विस्तार करना, शांति, मित्रता और समुद्री सुरक्षा शामिल है। अभ्यास में शामिल देश अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार सुरक्षा, समुद्री मार्गों की रक्षा, राहत और बचाव कामों पर सूचनाओं के आदान प्रदान करने की रणनीति का अभ्यास करेंगे। यह अभ्यास ऐसे वक्त पर हो रहा है जब मिडिल ईस्ट में तनाव अपने चरम पर पहुँच गया है। ईरान खुद इसराइल पर अब तक 2 बार बड़े हवाई हमले कर चुका है। अमेरिका और इसराइल की दोस्ती के चलते ईरान ने रूस और चीन के साथ सैन्य सहयोग बढ़ाना शुरू कर दिया है। इसी महीने रूसी राष्ट्रपति पुतिन और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने मुलाकात की थी। पुतिन ने इसराइल को चेतावनी देते हुए कहा था कि ईरान पर हमला मत कर देना। वही ईरान के प्रॉक्सी गुटों के कई शीर्ष नेताओं को इसराइल ने मौत की नींद सुला दी है। इसे चरमपंथी गुटों में खासा रोष है। लड़ाकों ने अपने हमलों को तेज कर दिया है। बीते दिन लेबनान से आए 3 ड्रोन ने इजरायली पीएम आवास पर हमले की कोशिश की। दावा है कि इजरायली पीएम पर हमले का असफल प्रयास हुआ। इजरायली बलों की माने तो 2 ड्रोनों को हवा में ही मार गिराया गया, जबकि तीसरा ड्रोन इजरायल के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में कामयाब रहा। इससे इजरायल में हलचल बढ़ गई। बताया गया कि इजरायली पीएम को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। ईरान का हिंद महासागर में यह नौसैनिक अभ्यास इलाके में बढ़े हुए तनाव के साथ हो रहा है। गाजा और लेबनान में इजरायल युद्ध लड़ रहा है, इससे इलाके में तनाव है। वही समंदर भी इस तनाव से अछूता नहीं है। यमन के ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में इजरायल, अमेरिका, ब्रिटेन के जहाजों पर लगातार हमले किए हैं। इसके चलते इन देशों के जहाज इस इलाके से नहीं गुजर पा रहे हैं। ईरान के संयुक्त नौसैनिक अभ्यास के प्रवक्ता ने बड़ा संकेत दिया है। रियर एडमिरल मुस्तफा तजेदिनी कहा कि संयुक्त IONS-IMEX 2024 नौसैनिक अभ्यास में भाग लेने वाले बलों को विशेषज्ञता ट्रांसफर करने के लिए बैठक होगी। संयुक्त नौसैनिक अभ्यास में भाग लेने वाली इकाइयां अलग अलग हालात जैसे फायर कंट्रोल, सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ साथ तेल रिसाव रोकने और उसकी सफाई के तरीकों को बताया जाएगा। हिंद महासागर नौसैनिक बैठकें साल 2008 में भारतीय नौसेना की पहल पर शुरू हुई थी, जिसका मकसद गैर परंपरागत और संगठित सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए समुद्री सहयोग को बढ़ाना था। ईरान की नौसेना भारतीय नौसेना के साथ मिलकर 2 सुरक्षा समितियों और 1 मानवीय प्रतिक्रिया समिति की प्रभारी है। IMEX 2024 नौसैनिक अभ्यास एक साथ सुरक्षित हिंद महासागर के लिए एक आदर्श वाक्य के तहत आयोजित किया जाता है। यह शांति, मित्रता, सहानुभूति और सामूहिक भागीदारी का संदेश देता है।